नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शीत ऋतु अभी अपनी चरम सीमा पर है, चारों तरफ खुशनुमा माहौल है, लेकिन इस समय में हमें अपनी उद्यानिकी फसलों में कौन कौन से सामयिक कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी उद्यानिकी फसलें अच्छी पैदावार दे सकें। तो सही समय पर सही तरीके से सटीक सामयिक कार्य अगर किए जाएं तो एक और जहां उद्यानिकी फसलें हमारे लिए लाभ का सौदा साबित होंगी, वहीं दूसरी ओर हमें भरपूर पैदावार भी प्राप्त हो सकती है। तो चलिए इसी विषय को लेकर आज जानकारी हासिल करते हैं अपने विशेषज्ञ से। तो इस विषय को लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में हमारे खास अतिथि जो कि है डॉक्टर के एस किराड़। ये प्रधान कृषि वैज्ञानिक हैं धार से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जो शीत ऋतु है, इस समय में फलों सब्जियों में कौन कौन से कार्य किए जाए जिनसे कि उनको नुकसान से बचाया जा सके। आपने ठीक कहा प्रभा जी, सर्दी का मौसम है और यह सर्दी का यदि तापमान धीरे धीरे घटता है तो फसलें उसको बहुत आसानी से सहन कर सकती हैं। हाँ जी। लेकिन जैसा है आपने देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से मौसम में बदलाव आ रहा है और साथ ही साथ पानी भी इसके मौसम में बदलाव के साथ आया है जी। तो इसमें अपन प्रमुख रूप से देखें तो फल हैं, जैसे आम है, पपीता है, केला है और सीताफल है। तो इस प्रकार के जो फलदार वृक्ष हैं, फलदार वृक्षों के साथ साथ जो सब्जियां हैं, जैसे कि अपन गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करें, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कुछ सोलनेसी कुल की जो सब्जियां हैं जिसमें कि टमाटर, बैंगन, मिर्ची इस तरह से आती हैं, और पालक और मेथी। तो अपन इस सभी प्रकार के ये जो उद्यान की फसलों पर यदि एक वो डालें, दृष्टि डालें, तो देखें कि जो बड़ी जो हार्डी फसलें हैं, जो कठोर फसलें हैं, वो तो इस चीज़ों को सहन करने में माहिर होती हैं और उनमें ज़्यादा असर इसका होता नहीं है जी। लेकिन जो सब्जी वाली फसलें हैं, जैसे अपन ने कहा टमाटर है, आलू है और बैंगन है जी। और ख़ासकर जो पत्ते वाली सब्जियां हैं अपनी, पालक और मेथी, तो जैसे ही तापमान नीचे जाता है तो इनमें बहुत तेज़ी से असर होता है, यहाँ तक कि वो असर दिखता भी नहीं है। जैसे कि फूलों का झड़ना या जो नई नई कली आ रही हैं वो उसका उसमें उसी के फूल के साथ ही मर जाना, और पाले की जब स्थिति बनती है जी। पाले की स्थिति अपन कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मौसम एकदम साफ हो गया हो। हाँ जी। और मौसम एकदम साफ होने के कारण तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरता है। हाँ, शाम के समय से ही पता अपने को ये हवाएं तेज चलने लगती हैं, ऐसा एहसास होने लगता है कि वातावरण एकदम शांत हो गया, तापमान धीरे धीरे गिर रहा है। तो किसान भाई इस चीज की बहुत तेजी से निगरानी रखें, और जो सब्जियों का अपन ने अभी जिक्र किया है उस पर जो एहतियात उसके उपाय हैं वो उसको अपनाना उसमें प्रारंभ करें जी। अब एहतियात उपाय में कैसे आते हैं, जैसे कि अपन पाले की स्थिति को अपन इस तरह से लेते हैं कि जैसे कि समझ रहे हैं शाम के समय से बहुत तापमान में तेज़ी से गिरावट हो रही है। हाँ जी। तो किसान भाई हल्की सी सिंचाई अपने खेतों में करना चालू करें जी। ये बहुत ध्यान रखें कि सर्दी के मौसम में हालांकि सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पाले से बचाने के लिए या तापमान जो तेज़ी से गिरा है उसको कम करने के लिए हल्की हल्की सिंचाई वो शाम से प्रारंभ करें जी। और अपन ये भी देखा है पुरवा जी कि पूरे मौसम में या सर्दी के मौसम में दो या तीन बार ऐसी पाले की स्थिति बनती है जी। ये सदा ऐसी स्थिति नहीं रहती। अब पहला जो सिंचाई की अपन ने बात की वो करना चाहिए। दूसरा, यदि संभव है तो जो वेजिटेबल सल्फर आता है जो कि 80% में आता है, यदि उसका भी अपन स्प्रे कर दें उसमें 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से जी। तो उससे जो तेज़ी से जो नुकसान की जो आशंका है वो उसमें कम होगी। हाँ जी। तीसरा और बहुत ही आसान उपाय जिसको अपन मानते हैं किसान भाई, कि जहाँ से सब जानते हैं कि उत्तर की तरफ से ये ठंडी हवाएं चलती हैं क्योंकि हिमालय से शीतलहर का प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में होता है, तो वो जो खेत की मेड़ है उसमें यदि अपने पास कुछ कचरा वगैरह है तो हल्का सा वो शाम के समय धुआं प्रारंभ कर दें जी। तो फसलों में जो उसका सूक्ष्म वातावरण है वो बहुत तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा जी। और फसलों में जो हानि होती है उससे भी अपन काफ़ी हद तक हमारे किसान भाई बच सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपने भी देखा हो कई बार कि पाले की स्थिति में जैसी पड़ती है तो फसलों में एकदम काली पड़ जाती हैं। हाँ, उसके फूल तो झड़ते झड़ते हैं, यहाँ तक कि इसमें 70-80% तक नुकसान भी देखने में आता है। तो इस प्रकार के जो कर्षण कार्य हैं यदि अपन वो कर लें तो किसान भाइयों को इससे निजात मिल सकती है जी। आलू, गोभी, लहसुन, प्याज, इन सब में कौन कौन सी कर्षण क्रियाएं करनी चाहिए जिनसे कि पैदावार तो भरपूर प्राप्त हो, थोड़ा नुकसान भी कम हो।
जी, जैसे कि अपन आलू की अभी स्थिति अपन अभी देखें तो उसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि आलू की जो पैदावारी है वो यदि मिट्टी नहीं चढ़ाई तो समझिए कि 25 से 30% उसमें कम होने की आशंका रहती है। तो मिट्टी चढ़ाने का इसमें दो बार मिट्टी इसमें चढ़ाई जाती है, एक पहला 30 से 40 दिन में, जब अपन कहते हैं कि स्टोलन फॉर्मेशन उसकी अवस्था जब जाती है उसमें, तो एक पहला 30 से 40 दिन में, एक 55 से 60 दिन में ये मिट्टी चढ़ाना इसमें बहुत आवश्यक है, और उसी समय इसमें खाद देने का कार्य भी अपन किसान भाई को इसमें करना चाहिए। अभी देखा है कि ठंड के मौसम में आलू की फसल में फूल भी आने लगते हैं उसमें, क्योंकि जैसे ही फूल आते हैं तो उससे पैदावार में भी कमी उसमें आने लगती है, तो वो सफ़ेद सफ़ेद रंग के जो उसमें फूल आते हैं, फूल को भी किसान भाई उसमें निकालना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ लहसुन और प्याज में अभी ये देखने में आया है कि खरपतवार चूँकि ज़्यादा है, जो दूसरे प्रकार के पौधे आ जाते हैं, तो उसका भी निराई गुड़ाई के द्वारा उनमें इस तरह की जो कृषि क्रियाएं हैं जिससे कि ना निकालते रहना चाहिए, जड़ों में हवा का संचार अच्छा होता है। ये जड़ वाली जो सब्जियां हैं इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य के साथ साथ ये कर्षण क्रियाएं भी बहुत आवश्यक हैं और खाद देने का कार्य भी बहुत आवश्यक है। अपन सब जानते हैं कि इनमें 60 दिन के बाद, और इनमें जो अपन लहसुन और प्याज की अपन बात कर रहे हैं, इसमें काफ़ी बाद के बाद नत्रजन उर्वरक नहीं देना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में इनमें भी नुकसान होने की जी। किसान भाइयों, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए कि नत्रजन कब देना है, कितना देना है, ये आपको बहुत ध्यान से इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके आपकी फसल अच्छी हो पाएगी। सर, लगातार देखने को आता है कि ठंड के दिन है, बादल होने लगता है, कोहरा होने लगता है, ये कितना नुकसान पहुँचाता है और इससे बचाव कैसे हो सकता है? देखिए, बरसात के समय में यदि मावठा की स्थिति कहते हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो फसलों के लिए वो अमृत का कार्य करती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक यदि बादल की स्थिति है और नमी बनी हुई है, तो ऐसे में जो रस चूसने वाले कीड़े हैं और जो इल्ली हैं उनका भी प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि जो फसलों के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद रंग का जो पाउडर भी छाने लगता है, जैसे कि अपन पाउडरी मिल्डू या बहुतिया रोग के नाम से भी अपन जानते हैं, कहीं कहीं डाउनी मिल्डू भी होता है जो मृदिरोमल आस्था के नाम से अपन जानते हैं, और जैसे आलू की फसल है या जो अपने सोलेनेसी की जो फसल है, जैसे गेंदा भी हो गया या गुलाब भी हो गया, तो इनमें काला धब्बा रोग भी इसमें आने लगता है। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि बहुतिया रोग, काला धब्बा रोग, इल्ली का प्रकोप, रस चूसक कीटों की जो प्रकोप है वो भी फसलों के ऊपर उतनी ही तेजी से बढ़ने लगता है। यदि मौसम साफ है तब तो फसलों के लिए अति उत्तम है, लेकिन यदि इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं तो इस प्रकार के रोग भी होते हैं फसलों में, जिससे कि काफ़ी नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। जी, अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश हमारे किसान भाई के खेत में जो रस चूसक कीट हैं या इल्लियां हैं उनका प्रकोप बढ़ जाए, तब किसान भाइयों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे ही रस चूसक कीड़ों का प्रकोप बढ़ता है तो अपने को पंप उठा के एकदम दवाई का स्प्रे करना चाहिए। एक समन्वित कीट नियंत्रण के जो उपाय हैं, मतलब मिला जुला के ऐसे बहुत से उपाय हैं जो अपने को एक साथ इसमें प्रारंभ करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये उपाय एक तो क्रम बताते हैं कि बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करने से भी अपनी लागत बढ़ रही है, पर्यावरण का जो प्रभाव आ रहा है। क्या किसान भाई इसमें जैविक जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं जिससे कि फसल को नुकसान कम हो? वहीं से प्रारंभ करना चाहिए जी। कम लागत के जो आसान उपाय हैं हमें वहाँ से ही इसको प्रारंभ करना चाहिए। अब जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी कि क्या जैविक विधियों को अपन इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि ये तो स्वयं के बनाए हुए संसाधन है और उन्हें खेती में प्रयोग करने से पर्यावरण ठीक होता है, और जो कीट और बीमारियों का जो प्रतिरोधक क्षमता रसायनों के प्रति जो बढ़ती चली जा रही है उसमें भी काफ़ी गिरावट आती है। तो ये कह सकते हैं कि अपने को आम के आम भी मिल सकते हैं, गुठलियों के दाम भी मिल सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि अभी यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है तो अपन ये देखते हैं हमेशा कि जो हवा की दिशा में है उसमें दूसरी फसलों को अपन लगा देते हैं अंतर्वर्ती फसलों के रूप में। फिर आपने देखा होगा कुछ कुछ खेत में पीले और नीले रंग के ट्रैप भी होते हैं, जो रस चूसक कीड़ क्या है बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते, वहीं उनका जो आवागमन होता है वो 4-5 फीट की ऐसी ऊंचाई तक होता है, तो ये जो ट्रैप हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, इसमें चिपक जाते हैं। साथ ही साथ में फिर और जो जैसे फल मक्खी वगैरह दूसरे हो गए, तो इसके लिए भी बहुत अच्छे जो जैविक उपाय हैं, इसमें फेरोमोन ट्रैप भी बाज़ार में उपलब्ध है, उनका भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं।
और ये मॉनिटरिंग का भी काम करते हैं। हाँ जी। मतलब जो कि 24 घंटे तो अपन खेत में रह नहीं सकते, नहीं रह सकते, कब कीड़े खेत में आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, यदि इस प्रकार के उपाय यदि खेत में करते हैं तो ये कीड़े उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप में हो जाते हैं। तो अपन अमुक ये स्थिति पता लगा सकते हैं कि इन कीड़ों का प्रकोप भी अब फसलों में प्रारंभ होने वाला है और हम सचेत हो जाते हैं जी। तो ये उपाय भी उसमें अपनाना चाहिए। साथ ही साथ जो नीम का जो तेल है, जिसको अपन एजाडिरेक्टिन के नाम से जानते हैं या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट के नाम से अपन जानते हैं, ये प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार के उपायों को अपनाना चाहिए। जब आगामी जब ये उपाय लगता है कि शिथिल काम नहीं आ पा रहे जी, तब फिर भी नीम के तेल को जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं हाँ उनमें उनका कुछ अंश मिला के उसमें उपयोग करना चाहिए, करना चाहिए। तो प्रतिरोधक क्षमता भी ये वो करते हैं, कम करते हैं, लागत भी कम करते हैं जी। और अंततः जब अपने को लगता है कि इन उपायों से ये इसका संभव नहीं हो पा रहा, तो फिर अपन रासायनिक कीटनाशक दवाइयों को आखिरी अस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं। हाँ जी। किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनो मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उद्यानिकी फसलों में सामयिक कार्य किस प्रकार से किए जाए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे हमारी जो शीतकाल है इसमें हमारी उद्यानिकी फसलें, जो फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, इनमें कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं, लेकिन अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि आगामी फसल के लिए रोप किस प्रकार से तैयार की जाए, खेत की तैयारी कैसे की जाए, उस विषय में जानकारी दें। चूंकि सर्दी का मौसम और बसंत काल के बीच की एक अवस्था ऐसी आती है जी, क्योंकि जब अपने को इसमें ही तैयारी अपने को इसमें आरम्भ करना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि जब जैसे ही शीतकाल खत्म होता है तो उस समय एकाएक उसकी तैयारी नहीं हो पाती, जैसे कि तरबूज है, पपीता है, या फिर दूसरे ग्राफ्टिंग के जैसे कार है सीताफल वगैरह में, तो इसके लिए अपने को अभी से ही तैयारी करना चाहिए। अच्छा। या किसान भाई नए बाग वृक्ष लगाना चाहते हैं जिनके पास सिंचाई सुनिश्चित है या सिंचाई के साधन हैं, तो वो भी जैसे ही सर्दी खत्म होती है तो उसमें अपने बाग बगीचे नए स्थापित कर सकते हैं। अच्छा। तो लेकिन तैयारी उन्हें अभी से ही प्रारंभ करना चाहिए। किस तरह से तैयारी उन्हें करें, जैसे खेत की तैयारी यदि अपने को तरबूज लगाना है तो खेत की तैयारी अपन अभी से प्रारंभ कर दें। हाँ जी। उसमें जो जैविक खाद है, गोबर की खाद है, ये है, तो उसको मिला के उसकी बेड बनाने की तैयारी अभी से करें। साथ ही साथ चूँकि ठंडा मौसम रहता है और ये तरबूज या कद्दू वर्गीय फसलों के बीज अभी अंकुरित नहीं हो पाते हैं जी, तो इन्हें एक उचित वातावरण दे के छोटे आकार का या तो पन्नी का घर, पॉलीथीन का जिसको अपन घर कहते हैं पॉली हाउस, उसमें इन्हें तैयार करें। क्योंकि जब तक ये ना एक महीना लगेगा तैयार होते होते जी, तब तक ये ठंड खत्म हो जाएगी, सीधे जाके खेत में इन्हें प्रतिरोपण का कार्य अपन कर सकते हैं। ऐसे ही यदि सीताफल में यदि ग्राफ्टिंग का यदि अपने को कार्य चूंकि किया जाना है तो उसके लिए भी अभी से ही उसके जो रूट स्टॉक हैं वो ला के अपन संग्रहित कर लें, यदि बाहर से भी ला रहे हैं तो भी उन्हें संग्रहित कर लें, जिससे उन्हें एक महीने का विश्राम अवस्था या विश्राम काल उन्हें मिल जाए। अब चूंकि अपन यदि गड्ढे नए बाग वृक्ष लगाना है तो उसके लिए खाद की भी व्यवस्था अपने को करना पड़ेगी, कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी अपने को करना पड़ेगी, और वो सारे संसाधन अपने को जुटाना पड़ेंगे कि जब जैसे ही शीत ऋतु खत्म हो और अपन बाग लगाने की स्थिति में पहुँच जाएँ,
चाहे वो ड्रिप का इंस्टॉलेशन हो, ये मतलब ड्रिप का इंस्टॉलेशन पर मानते हैं कि बहुत पहले ही आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में जैसे अपन पौध लगा देते हैं, बाग बगीचे लगा देते हैं, तो फिर पानी तत्काल पौधों को, जैसा कि आप जानते होंगे छोटे छोटे पौधे होते हैं, रोपण करने के बाद तत्काल उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अपन खाद, बीज या छोटे पौधे या सिंचाई के जो संसाधन हैं उनकी व्यवस्था अपने को अभी से करना चाहिए, क्योंकि शीत ऋतु में जितने भी कीट और बीमारी, इनके जो प्यूपा रहते हैं, प्यूपा अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में जमीन के अंदर पड़े रहते हैं सर्दी के मौसम में, विपरीत मौसम से बचने के लिए। तो यही वो समय है जब अपन खेत की जुताई करके इन्हें बाहर निकालें, और ये जब जैसे ही गर्मी बढ़ेगी या धूप आएगी उसमें ये नष्ट हो जाएंगे, या फिर जो अपने पक्षी वगैरह हैं वो इन्हें खा जाएंगे, या कुछ अपन रासायनिक दवाइयाँ इन गड्ढों में या खेत में जब मिलाते हैं तो उस समय ये नष्ट हो जाएंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, आने वाले समय में जैसे कि शीत ऋतु में फूलों के लिए तो सदाबहार होता ही है, तो गुलाब और गेंदे में किस प्रकार से भरपूर पैदावार हो के किसान भाइयों को ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि वर्ष भर मांग तो बनी ही रहती है, लेकिन जो शीत ऋतु है इसमें सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं, तो उन्हें कैसे पैदावार अच्छी प्राप्त हो सकती है? आपने ठीक कहा पूर्वा जी, जब सर्दी का मौसम होता है और चटक धूप जब आती है तो फूलों का रंग देखने लायक ही होता है, और फूल का जो बाजार मूल्य है उसका रंग के आधार पर ही होता है। जितना स्वस्थ फूल होगा उतना ही उसके अच्छे दाम मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। तो इसमें गेंदा, तो चूंकि फूलों का राजा के नाम से भी जाना जाता है, गेंदा है, गुलाब है, ग्लेडियोलस है, रजनीगंधा है, इत्यादि जो फूल हैं वो किसान भाई इन्हें व्यावसायिक तरीके से खेती करते हैं इनके लिए। तो चूँकि गुलाब में अपन सब जानते हैं कि उसमें कटाई करने का और उसमें फली आने का एक निश्चित समय होता है। हाँ जी। यदि गुलाब में यदि कर्षण अपन आज करेंगे तो इसके 40 से 45 दिन के बाद में उसमें कली बन जाएगी। तो ये भी किसान भाई देखते हैं कि वो तीज और त्यौहार कब आ रहे हैं, या कोई ऐसा कोई फंक्शन आ रहा है जिसमें उनके फूलों की मांग बढ़े, उसके हिसाब से ही ये इस तरह के कर्षण कार्य किए जाना चाहिए। ग्राफ्टिंग के लिए भी यही सही समय रहेगा? बिल्कुल, बहुत सही समय है ग्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि अभी गुलाब का तो बड़वार की अवस्था चल रही है, तो इसमें अपन जिसके जो प्रवर्धन के तरीके हैं, ग्राफ्टिंग के तरीके हैं या बडिंग के जो तरीके हैं वो भी अभी किया जाना ही इसमें उत्तम होगा। जैसा कि ये भी अपन मानते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब की बहुत मांग बढ़ जाती है, तो वो 14 फरवरी से लेके उसके पीछे तक 40 से 45 दिन की अवस्था कब आ रही है, वो जनवरी के प्रथम सप्ताह में यदि अपन उसकी कटिंग कर देंगे तो उस समय जाके उसमें फूल आएंगे, और उस समय एक गुलाब की कली के जो दाम होते हैं वो देखने लायक ही होते हैं। तो ऐसे ही गेंदा है, तो इसके लिए भी अपन गोबर की खाद या केंचियों की खाद के साथ इसको मिट्टी में, और इसके जो एनपीके जो प्रमुख तत्व हैं साथ ही साथ, मैं आपको रोकना चाहूंगी, तत्व क्योंकि इनकी भी दिया जाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि रंगों में जो निखार आता है वो देखने लायक होता है और किसान भाइयों को अच्छा मूल्य मिलता है। जी डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ, लेकिन उससे पहले खबरें खेती की देखना मत भूलिएगा। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। स्टार्टअप से होगा किसानों को फायदा, प्रदेश के किसानों के फल सब्जी दुनिया में पहुंचेंगे, किसानों के संरक्षण के लिए है ढेरों कानून, और नरसिंहपुर जिले में जैविक तकनीक से गन्ना उत्पादन। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्टार्टअप से होगा किसानों को फायदा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि इनोवेशन और स्टार्टअप से गांव-गांव तक पहुंचने से छोटे किसानों को फायदा होगा और खेती के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा। श्री तोमर एग्री इंडिया हैकथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कृषि क्षेत्र में संवाद करने और नवाचारों में तेजी लाने के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र को विकसित करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एग्री इंडिया हैकथॉन के आयोजन का सुझाव दिया था। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि हम सभी को ये देखना होगा कि कृषि क्षेत्र में और मुनाफा कैसे आए। युवाओं का आकर्षण खेती की तरफ
तरफ कैसे बढ़े, फसलों का विविधीकरण कैसे हो और हम जैविक खेती और सूक्ष्म सिंचाई की ओर कैसे बढ़े। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने में अग्रणी स्टार्टअप्स का बड़ा योगदान हो सकता है। प्रदेश के किसानों के फल सब्जी दुनिया में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का आह्वान किया है कि वे ऐसे फूलों, फलों और सब्जियों का उत्पादन अधिक से अधिक करें जिन्हें दुनिया भर में भेजा जा सके। श्री चौहान ने इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल के शिलान्यास कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के फूल दुनिया भर में खुशबू बिखेर सकते हैं। इसमें इंदौर से होते हुए छोटे छोटे किसानों के फल, फूल और सब्जी दूसरे देशों तक पहुंच सकते हैं। इससे किसानों की आय में इजाफा हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदौर में 20 एकड़ की जमीन में लॉजिस्टिक हब विकसित करने का प्लान किया है। किसानों के संरक्षण के लिए है ढेरों कानून। केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने कहा कि हमारे देश में किसानों के लिए ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलती है। उन्होंने बताया कि किसानों की जमीन का अधिकरण किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसान जमीन, मिट्टी और जंगलों के मालिक हैं। सरकार किसी को भी उनकी जमीन लेने की अनुमति नहीं देगी। श्री पुरी ने बताया कि सरकार ने उत्पादन लागत का 1.5 गुना MSP बढ़ाने की स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को न केवल लागू किया बल्कि सभी फसलों के लिए MSP को 40-70% तक बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग का बजट पिछले कुछ वर्षों में 6 गुना तक बढ़ गया है। नरसिंहपुर जिले में हो रहा है जैविक तकनीक से गन्ना उत्पादन। मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन के लिए देश भर में जाना जाता है। यहाँ बनने वाले गुड़ की मिठास भी देश भर में मिठास घोलती है। जिले के लगभग 70,000 हेक्टेयर जमीन में गन्ना उगाया जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में गन्ने की खेती होने के कारण ही यहाँ 8 शुगर मिल, 12 खांडसारी इकाइयाँ और 5,000 गुड़ की भट्टियाँ हैं। यहाँ के गन्ने की खास बात यह है कि खेती में अधिकतर जैविक विधि का ही प्रयोग किया जाता है। यही वजह है कि इससे बनने वाला गुड़ भी खास और मीठा हो जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की भरपूर मदद करता है। समय समय पर कृषि वैज्ञानिक उन्हें सलाह और सुझाव देते हैं। गन्ने में होने वाले रोगों और कीटों से बचाने के लिए भी उनका मार्गदर्शन करते हैं और इसके लिए भी जैविक विधि का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर केवी साहरे, वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख कृषि विज्ञान नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिला मुख्यतः गन्ना उत्पादक जिलों में से मध्य प्रदेश में प्रमुख जिला है। यहाँ पे गन्ने का जो एरिया है लगभग 65-70,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। जिले में जो शक्कर मिल है यहाँ पे 8 शक्कर के कारखाने हैं तथा छोटी इकाइयाँ जिसे खांडसारी के नाम से जाना जाता है वो 12 इकाइयाँ है। और इसी तरह जिले में कुल जो हाथ भट्टियाँ जो है 5,000 के लगभग हाथ भट्टी है जिसमें लोग कार्बनिक और अन्य तरीके से गुड़ बनाते हैं। और इस जिले की पहचान गुड़ के रूप में मुख्यतः जानी जाती है और गन्ना उत्पादक यह जिला है। तो किसान भाई बहनों, आज के समाचारों में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का अंक। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य बेहतरीन कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ, नमस्कार।